हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं विवेक कुमार यूवी कंपटीशंस चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, रोज़ाना की तरह मैं लेकर हाजिर हूं डेली मॉर्निंग करंट जीके अपडेट्स। ये करंट अफेयर्स आपके सभी कंपटीशन एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। मेरे प्यारे साथियों, आज 16 नवम्बर 2018 वार शुक्रवार। साथियों, डेली करंट अफेयर्स के लिए यूवी कंपटीशंस चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूवी कंपटीशंस चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको हमारे द्वारा दिए गए अपडेट्स के नोटिफिकेशन मिलते रहें। मैं आपका एक अनअकैडमी पर एजुकेटर हूँ, तो अनअकैडमी पर मेरे द्वारा राजस्थान जीके और मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ाया जाता है। राजस्थान जीके और मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ने के लिए अनअकैडमी पर मुझे फॉलो करें, अनअकैडमी पर विवेक कुमार के नाम से सर्च करें, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप अनअकैडमी पर हमें डायरेक्ट फॉलो कर सकते हैं। अनअकैडमी पर फॉलो करें और राजस्थान जीके और मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ने का मजा लें। साथ ही साथ करंट अपडेट्स, रिक्रूटमेंट नोटिस, क्विज और हेल्प सेंटर के लिए यूवी कंपटीशंस जो कि इंस्टाग्राम पेज है, वहाँ पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं आज के मुख्य समाचार जो कि कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले बात करते हैं नेशनल न्यूज़ राष्ट्रीय समाचारों की। यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर राधा मोहन सिंह लॉन्च द युवा सहकार कॉरपोरेटिव एंटरप्राइज सपोर्ट एंड इनोवेशन स्कीम ऑफ द नेशनल कॉरपोरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन NCDC। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री राधा मोहन सिंह ने राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम NCDC के युवा सहकार सहकारी उद्यम समर्थन और अभिनव योजना लॉन्च की। योजनाओं का लक्ष्य सहकारी व्यापार उद्यमों में युवाओं को आकर्षित करना है। सेकंड न्यूज है, सत्यपाल सिंह मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट लॉन्च टू न्यू इनिशिएटिव नेमली द लीडरशिप ऑफ एकेडमिशियंस प्रोग्राम LEAP एंड द एनुअल रिफ्रेशर प्रोग्राम इन टीचिंग ARPIT फॉर हायर एजुकेशन फैकल्टी। मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री सत्यपाल सिंह ने उच्च शिक्षा संकाय के लिए दो नई पहलों अर्थात लीडरशिप फॉर एकेडमिशियन प्रोग्राम LEAP और एनुअल रिफ्रेशर प्रोग्राम इन टीचिंग ARPIT शुरू किया है। द गवर्नमेंट विल रिलीज ए 75 रुपीज कॉइन टू कमरेट द 75th anniversary ऑफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस होस्टिंग द ट्राइकलर फॉर द फर्स्ट टाइम एट पोर्ट ब्लेयर। सरकार नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा पोर्ट ब्लेयर पर पहली बार तिरंगा पहराने की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर 75 रुपये का सिक्का जारी करेगी। न्यूज नंबर 4, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अटेंडेड द 13th ईस्ट एशिया समिट इन सिंगापुर। द समिट इज ए रीजनल फोरम हेल्ड एनुअली बाई लीडर्स ऑफ 18 countries इन द ईस्ट एशियन, साउथ ईस्ट एशियन एंड साउथ एशियन रीजन इंक्लूडिंग रशिया एंड द यूनाइटेड स्टेट्स। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिंगापुर में 13वें पूर्व एशिया शिखर सम्मेलन में भाग लिया। शिखर सम्मेलन रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका सहित पूर्व एशियाई, दक्षिण पूर्व एशियाई और दक्षिण एशियाई क्षेत्रों में 18 देशों के प्रमुखों द्वारा वार्षिक रूप से आयोजित एक क्षेत्रीय मंच है। द साइक्लोनिक स्टॉर्म गाजा ओवर द बे ऑफ बंगाल ले एट अबाउट 470 किलोमीटर साउथ ईस्ट फ्रॉम चेन्नई एंड इज सेट टू मेक लैंडफॉल बिटवीन कुडलारो एंड पंबान ब्रिंगिंग हैवी रेनफॉल टू तमिलनाडु। इट विल आल्सो कवर सम पार्ट ऑफ पांडुचेरी, अर्लियर इट हैज हिट द साउथ कोस्टल पार्ट ऑफ आंध्र प्रदेश। बंगाल की खाड़ी पर चक्रवाती तूफान गज चेन्नई से लगभग 470 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में आ गया है और कुड्डालोर और पमन के बीच भूमिगत तूफान लाने के साथ ही तमिलनाडु में भारी बारिश ला रहा है। यह पुडुचेरी के कुछ हिस्सों को भी शामिल करेगा। इससे पहले आंध्र प्रदेश के दक्षिण तटीय हिस्सों में पहुँचा था। ये थे राष्ट्रीय समाचार। अब आइए बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय समाचार इंटरनेशनल न्यूज की। द इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी इन द लेटेस्ट रिपोर्ट वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक स्टेट दैट इंडिया विल ओवरटेक द US टू बिकम द वर्ल्ड्स सेकेंड बिगेस्ट एमिटर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द पावर सेक्टर बिफोर 2030। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने अपनी नवीनतम रिपोर्ट वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक में कहा है कि भारत 2030 से पहले
ऊर्जा क्षेत्र से कार्बन डाइऑक्साइड के दुनिया का दूसरे सबसे बड़ा उत्सर्जक बनने के लिए अमेरिका से आगे निकल जाएगा। एग्रीमेंट समझौता समाचार। द यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल UNSC हैज अनमोनियसली एग्रीड टू लिफ्ट सैंक्शन अगेंस्ट इरिट्रिया आफ्टर 9 ईयर एंड आर्म्स एम्ब्रो असेट्स फ्रीज एंड ट्रेवल बैन वर इम्पोज्ड इन 2009 अमिड क्लेम्स दैट इरिट्रिया सपोर्टेड अल साब मिलिटेंट्स इन सोमालिया। संयुक्त राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद UNSC ने 9 वर्षों के बाद इरिट्रिया के खिलाफ प्रतिबंधों को हटाने के लिए सर्वसम्मति से सहमति व्यक्त की है। 2009 में इरिट्रिया द्वारा सोमालिया में अल शबाब आतंकवादियों का समर्थन करने के दावों के कारण उस पर हथियार प्रतिबंध संपत्ति जमा और यात्रा प्रतिबंध लगाया गया था। द ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन AIFF एंड द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा साइंड द मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग MOU एट द कालिंगा स्टेडियम कॉम्प्लेक्स इन द प्रेजेंस ऑफ चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन AIFF और ओडिशा राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री नवीन पटनायक की उपस्थिति में कलिंग स्टेडियम परिसर में समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए। तो ये थे आपके एग्रीमेंट समाचार। अब बात करते हैं रेजिग्नेशन इस्तीफे की। अशोक चावला चेयरमैन ऑफ यस बैंक लिमिटेड रिजाइंड विद इमीडिएट इफेक्ट फ्रॉम द लीडर्स बोर्ड आफ्टर बीइंग नेम्ड इन ए करप्शन चार्ज शीट बाय द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन CBI। यस बैंक लिमिटेड के चेयरमैन अशोक चावला ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI द्वारा भ्रष्टाचार चार्जशीट में नामित होने के बाद ऋणदाता बोर्ड से तत्काल प्रभाव से इस्तीफा दे दिया है। आइए बात करते हैं खेल समाचार स्पोर्ट्स न्यूज की। द वुमेन्स वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप बिगेन इन दिल्ली। दिस 10th एडिशन ऑफ द टूर्नामेंट इज सेट टू बी द बिगेस्ट एवर एज मोर देन 300 बॉक्सर्स फ्रॉम 72 कंट्रीज आर टेकिंग पार्ट। महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप की दिल्ली में शुरुआत हुई। टूर्नामेंट का यह 10वां संस्करण अब तक का सबसे बड़ा सेट है क्योंकि 72 देशों के 300 से अधिक मुक्केबाज इसमें भाग ले रहे हैं। बार्सिलोना स्टार लियोन मेसी वाज नेम्ड फीफा वर्ल्ड प्लेयर ऑफ द ईयर एडिंग वन मोर टाइटल टू हिज अबंडेंट कलेक्शन ऑफ स्कोरर ग्रेट ऑनर्स। मेसी लिफ्टेड द प्रेस्टिजियस अवार्ड एट फीफाज गाला सेरेमनी इन ज्यूरिच आउटडिस्टेंसिंग द लास्ट टू विनर्स क्रिस्टियानो रोनाल्डो एंड काका। बार्सिलोना के स्टार लियोनेल मेसी को फीफा वर्ल्ड प्लेयर ऑफ द ईयर के रूप में नामित किया गया, जिसके साथ ही उनका फुटबॉल के मान सम्मान के उनके संग्रह में एक और खिताब शामिल हो गया है। और लास्ट न्यूज है आपका, फॉर्मर इंग्लैंड एंड चेल्सी मिडफील्डर जॉय कोले हैज रिटायर्ड एट द एज ऑफ 37। इंग्लैंड और चेल्सी के पूर्व मिडफील्डर जो कोल 37 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त हुए हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, ये थे आज के मुख्य समाचार जो कि आपके कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। यदि आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं लाइक बटन पर दबाएं। जो भी आपकी क्वेरी है, जो भी क्वेश्चन है, वो कमेंट बॉक्स में डालें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करें हमारे वीडियोज आपको कैसे लगते हैं। और UV कंपटीशंस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और आल्सो डाउनलोड PDF फ्रॉम द गिवन लिंक इन दिस वीडियो डिस्क्रिप्शन। इसके अलावा आप फेसबुक, इंस्टाग्राम और अनअकैडमी पर हमें फॉलो करें। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।